विधानसभा चुनाव व त्योहारों के मद्देनजर गुरुवार को पुलिस ने नगर में फ्लैग मार्च निकाला। शाजापुर पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के निर्देशन में पुलिस बल के साथ थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा व उप निरीक्षक रवि भंडारी ने फ्लैग मार्च कर मतदाताओं को जागरूक किया। इस दौरान नगर परिषद पानखेड़ी सहित क्षेत्र संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। देखिए रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ITBP के अधिकारियों ने कालापीपल थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा के साथ शांतिपूर्ण मतदान की अपील को लेकर फ्लैग मार्च निकाला, जहां यह फ्लैग मार्च तहसील के ग्राम खोकरा कला, बकायन, खरदोन, पिपलिया नगर, बहरावल और तहसील क्षेत्र के दर्जनों गाँवों में निकाला गया। जो हमारे यहाँ जो आगामी 17 नवंबर को जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनज़र थाने की लोकल पुलिस द्वारा और जो बाहर से फोर्स आया ITBP का, उसके साथ साथ हमने थाना क्षेत्र के समस्त गांवों में जो हमारे क्रिटिकल मतदान केंद्र है, समस्त थाना क्षेत्र के मतदान केंद्रों में हमने फ्लैग मार्च निकाला है। और इसके तहत हम क्या है, लोगों में एक मतलब लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो आगामी जो विधानसभा चुनाव है उस दौरान में मतलब शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो। हमने यहाँ से थाने क्षेत्र के जो गांव है, खोकरा कला है, खरदोन है, पीपलिया नगर है, बेरावल है, बकायन है, ऐसे जो हमारे रूट पर जो जितने भी गांव पड़ रहे थे वो समस्त थाना क्षेत्रों में हमने फ्लैग मार्च निकाला है। कितने जवान सम्मिलित रहे सर? इसमें थाना क्षेत्र के हमारे 10 जवान थे और जो बाहर से फोर्स आया था वो 55 जवान सम्मिलित थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन ने विधानसभा चुनाव से पहले फ्लैग मार्च निकालकर अति संवेदनशील बूथों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, काला।